झारखंड और महाराष्ट्र के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाने वाला है और बिहार की 4 विधानसभा सीट और विधान परिषद की 1 सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान संभवतः हो सकता है। दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे का वक्त निर्वाचन आयोग की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाने वाला है, तारीखों के ऐलान सामने हो सकते हैं, जिसमें बिहार के तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर उपचुनाव होने हैं। सुधाकर सिंह के सांसद बन जाने के बाद कैमूर की रामगढ़ सीट खाली हुई है। सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद आरा की तरारी सीट खाली हुई है। गया के इमामगंज विधानसभा सीट भी जीतन राम मांझी के सांसद चुने जाने के बाद इस वक्त खाली है और गया के बेलागंज विधानसभा सीट सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद खाली और इसीलिए इन पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाने वाला है। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में 4 विधानसभा और 1 विधान परिषद के उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसकी उम्मीद जाहिर की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां एनडीए इंडी अलायंस को पटखनी देगा। उन्होंने यहां तक कहा कि झारखंड में भी एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा और सहयोगियों से सीट के समझौते पर कहीं किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। देखिए, विधानसभा सीट पर हमारी तैयारी अच्छी है, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अभी 1 सीट इसमें हमारा है, मतलब हमारे एनडीए गठबंधन के वहां से विधायक थे इमामगंज से। 3 सीट जो है, चाहे वो बेलागंज हो, चाहे तरारी हो या रामगढ़ हो, ये सीट को विपक्ष के गोद से हमें छीन